Hello students, in this video we are continuing with modes of asexual reproduction. In last video we were studying the different modes of asexual reproduction and the types of reproduction. That is, we discussed that there were two types of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. Then we studied two modes of reproduction, and now let us continue from there. We were discussing about budding. हमने बडिंग डिस्कस किया था, जो हमने ईस्ट का एग्जांपल लेके किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक मैच्योर बॉडी से इन लोअर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द मैच्योर पार्ट ऑफ बॉडी सम ए बल्ज कॉल्ड एज बड अराइजेस एंड विच ऑन मैच्योरेशन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट एंड अनदर एग्जाम्पल इज हाइड्रा. सो इसका जो डायग्राम है वो रह गया था, तो इसीलिए आप इसको जहाँ ईस्ट का डायग्राम बनाया था आपने, उसके बाद जो है ये हाइड्रा का डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेना है कि आपने जो इसमें क्या है कि आपका जो हाइड्रा है उसमें आप ये देखते हो कि देर इज़ अ डेवलपिंग बर्ड. देन व्हाट हैपेंस इज अपॉन मैच्योरेशन द न्यू हाइड्रा गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. नाउ लेट अस कंटिन्यू फर्दर. नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन, इसमें क्या वर्ड निकल के आता है? फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसको पीसेस में काट दिया जाए, देन दैट ईच इंडिविजुअल पीस दैट फ्रैगमेंट्स दोज पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट्स कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. अब जैसे ये जो है बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है ये पोटेंशियल कि फ्रैगमेंट्स में होने के बाद जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए. उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा क्या है? इट इज़ एन एल्गा. एल्गा, इसका स्पायरोगायरा नाम क्यों है? क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है शायद, आपने जब एल्गा पढ़ा होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गा आपने पढ़ा था. उसमें फिलामेंटस एल्गे होंगे, यूनिसेलुलर एल्गे होंगे, कॉलोनियल एल्गे आपने शायद पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में. तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि स्पायरोगायरा जो है ऐसा एल्गा है जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्पायरल अपीयरेंस होता है. जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वैसे स्पायरल नज़र आता है, तो इसीलिए हम इसको स्पायरोगायरा कहते हैं. तो और ये कैसी एल्गा है? ये फिलामेंटस एल्गा है. फिलामेंटस एल्गा मीन्स कि इसके जो सेल्स हैं वो एंड टू एंड अरेंज्ड हैं और एक फिलामेंट बनाते हैं. तो क्या होता है इसमें कि ये जो स्पायरोगायरा है, जब कोई भी मैच्योर्ड फिलामेंट है किसी भी कारण से, एक वाटर एल्गा है, एक्वाटिक एल्गा तो वाटर में रहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपने भी देखा होगा, जो पॉन्ड्स होते हैं गांव में, जो जोहड़ जिसे बोलते हैं, उनमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो स्पायरोगायरा होते हैं. तो ये किसी मतलब जैसे वाटर करंट के कारण या किसी एनिमल जैसे कोई जा रहा है, किसी भी कारण से अगर ये टूट जाती है, ये फिलामेंट हाफ हो जाती है, ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, देन दीज फ्रैगमेंट्स दे अगेन दे स्टार्ट टू डेवलप न्यू सेल्स एट देयर एंड एंड दे डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट्स. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. दैट इज द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस. अपॉन मैच्योरेशन ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं. दैट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब दोबारा से बनना. अब इट इज़ समवॉट सिमिलर आपको टू फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, ये अब आपका काम है. चलो मैं आपको रीजनरेशन बताने से पहले आपको क्वेश्चन ही दे देती हूँ कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन की डिफरेंसेस लिखने हैं आपने. ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं. रीजनरेशन क्या है? यानी ये जो रीजनरेशन है ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स में होती है ये पोटेंशियल. यानी रीजनरेशन मतलब दोबारा से बनना, दोबारा से कोई चीज़ का जनरेट होना. जैसे अभी हमारे चोट लग जाती है लेकिन हमारे फिर क्या होता है, उसको हील करने के लिए नए सेल्स बन जाते हैं. तो फिर दैट मीन दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रीजनरेशन. आपने देखा होगा लिजर्ड में. लिजर्ड में क्या है, उसका जैसे वो टेल, इट लिव्स इट टेल, वो एक उसका डिफेंस एक्टिविटी है कि जो उसका प्रेडेटर है उसका ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करता है, अपना टेल खुद ही हटा देता है ना. देन आफ्टर फ्यू डेज इफ यू ऑब्जर्व द सेम लिजर्ड यू सी दैट इट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू टेल, दैट इज़ ऑल्सो रीजनरेशन. तो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रीजनरेशन, अलग अलग लेवल है. लेकिन
किसी बॉडी को अगर हम डिफरेंट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम काट देते हैं, देन दैट ईट ईच पार्ट, दैट ईच पार्ट और दैट ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, वो जो पूरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाए। इस तरह का जो रीजनरेशन है सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि प्लानेरिया है, स्टारफिश है, इनमें ये देखने को मिलेगा कि जब उनके जो पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट बिल्कुल छोटे टुकड़ों में अगर हम काट दें और तो क्या होगा कि वो जो है कंप्लीट इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। लेकिन ये इस तरह का रीजनरेशन जो है हायर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? छोटे ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये तो इस तरह के, जैसे फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म भी कहते हैं ना प्लेनेरिया को, इनमें तो ये पॉसिबल है, इस तरह की रीजनरेशन हो जाती है। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, इनमें क्यों नहीं हो पाती इस तरह की रीजनरेशन? क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपको पता है कि देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, देर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी को जनरेट करना कुछ सेल्स की मदद से वो पॉसिबल नहीं है। जबकि लोअर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सिंपल होती है, उनमें इस तरह की स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। तो इसीलिए इनमें इस तरह का जो रीजनरेशन है जिसमें पूरी बॉडी को जनरेट किया जा सकता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है रीजनरेशन का? प्लानेरिया। इफ द ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो रीजनरेशन है, एक मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें हम, उस टाइप के जो सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट सेल्स मतलब कि एक तरह के जो सेल्स से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को जनरेट कर पाना, उन्हें उस तरह के सेल्स को। और जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो भी टोटिपोटेंट होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर्स क्या होते हैं? देखो, आपने देखा होगा कि कोई रोटी है बहुत दिन से रखी है तो उसके ऊपर एक ब्लैक या ग्रीन लेयर बन जाती है, ब्रेड रखा है तो उसके ऊपर बन जाती है एक ग्रीनिश लेयर होती है, और जैसे जैसे थोड़ा पुराना हो जाएगा तो वो ब्लैक टर्न हो जाता है, कॉटनी सरफेस बन जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, और उसका नाम है राइजोपस, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ फंजाई। वो क्या है? एक टाइप का फंजाई है। तो ये हमें कॉमनली एक कॉमन एग्जांपल है इसका, राइजोपस का, फॉर स्पोर फॉर्मेशन। ये इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये स्पोर्स बनाते हैं। एक इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर ये बनाते हैं स्पोर्स, और जैसे फेवरेबल कंडीशन होते हैं ये स्पोरेंजिया इट बर्स्ट ओपन एंड देन इट रिलीजेस द स्पोर्स, एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा, दैट इट हैज अ हाइफे। जो आपको ब्रेड के ऊपर नजर आ रहा है दैट इज हाइफे, उसका जो ब्रेड के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके फंजाई के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम हाइफे कहते हैं, और इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजिया, एंड इनसाइड द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। अब क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो वॉल है काफ़ी थिक होती है, एंड दीज दिस वन विच प्रोटेक्ट इस इसको जो प्रोटेक्ट करती है, इट प्रोटेक्ट द स्पोर फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस, जो उसकी थिक वॉल होती है, एंड दिस स्पोर्स अंडर द फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। तो वॉट इज, लेट अस रीड वॉट वी हैव रिटन। स्पोर्स आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स कवर्ड बाई थिक वॉल्स, अंडर फेवरेबल कंडीशंस they germinate and produce
न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी इसका जो थिक वॉल होना है, स्पोर्स में जो थिक वॉल होते हैं ये इसके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि इसको ये एक्सट्रीम कंडीशन से, डेसिकेशन से, जैसे कि इसका पूरा मॉइस्चर लूज हो जाए, उससे ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फंजाई के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि उस जगह, वो जगह मॉइस्ट हो, दैट इज डैम्प हम कहते हैं, डार्क एरिया हो, सनलाइट में कभी भी फंजाई ग्रो नहीं करती। इस चीज़ को याद रखना कि जब हम ब्राइट सनलाइट होती है तो उसमें फंजाई ग्रो नहीं करती है, जो सिर्फ डार्क एंड डैम्प एरियाज में फंजाई ग्रो करेगी। आपने देखा ना, आपके जो मम्मी जब पिकल्स बनाते हैं या पिकल्स बनाएंगे तो वो क्या करते हैं, हमेशा उन पिकल्स को सनलाइट में रखते हैं, कहते धूप लगाते हैं। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर स्टेरलाइजिंग दैट पिकल्स, कि धूप में जो है, क्योंकि मेन जो फूड आइटम्स जो हैं वो फंजाई से स्पॉइल होते हैं, तो वो एक वहाँ पे वो स्पॉइल नहीं होंगे क्योंकि लाइट में फंजाई ग्रो नहीं करती है। तो इसीलिए उसको 5 डेज 7 डेज जो भी है उस पर रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक दिस वन, ओके, थिक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि स्पोर्स हैव थिक वॉल्स एंड एग्जाम्पल इज राइजोपस, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट से होगा, और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं आप बताओ। चलो देखो, मैं बताती हूँ कि प्लांट्स में देर आर डिफरेंट पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, उनमें से फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो बाकी लीव्स हैं, ब्रांचेस, स्टेम हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स। जब प्लांट्स इन वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि रिप्रोड्यूस इन द सेंस दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर, देन दैट टाइप, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सी, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम, लीव्स, रूट्स। ठीक है, जैसे कि हम स्टेम का एग्जाम्पल पढ़ें, स्टेम का क्या है कि इन पोटैटो, आपने ये जो पोटैटो है आपके घर में आपने देखा होगा, इन सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व इज पोटैटो के ऊपर जो है ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो है प्लांटलेट्स ग्रो कर जाते हैं, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं। व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यू प्लांट्स, और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर उसे बोलते हैं, एंड इट हैज, दैट पोटैटो हैज स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज आई। अगर हम, आपने पोटैटो को देखते हो तो उसमें इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, आईज कहते हैं। और ये आईज बेसिकली क्या होते हैं, आईज आर द नोड्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम की, किसी भी स्टेम की पहचान क्या होती है कि उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। ठीक है, तो आईज रिप्रेजेंट द नोड्स ऑफ द प्लांट, एंड व्हाट आर नोड्स, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेस। यानी जब भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो नोड्स ही वो पोर्शन होते हैं जहाँ से नए स्ट्रक्चर्स, जैसे कि रूट्स और लीव्स, नए जो प्लांट्स, प्लांट के जो नए स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो क्या होता है, आप इसमें पोटैटो में आपने देखा होगा कि इन आईज के पास जो है न्यू प्लांटलेट्स जो है ग्रो कर जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को क्यूब के फॉर्म में कट करके इनको सॉइल में सो कर दिया जाता है, जिससे कि दिस होल थिंग विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट एंड इट विल प्रोड्यूस न्यू ट्यूबर्स। सो दिस इज हाउ वी वेजिटेटिवली प्रोपगेट पोटैटो। पोटैटो को इवन कमर्शियल पर्पस के लिए भी इसी तरह से ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, लीव्स एज अ मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बहुत से प्लांट्स हैं, उनमें से द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं, आपने अपने देखा होगा, बहुत कॉमन सा प्लांट है,
आपके आसपास हो रहता है ये। तो इस ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि जैसे ही लीव्स मैच्योर लीव्स मैच्योर होके ओल्ड होकर के सॉइल में गिर जाती हैं, तो क्या होता है कि इन लीफ के नॉचेस, नॉचेस इन द सेंस जो डिप्रेशन आपने देखी है इस तरह से, जो लीफ के जो डिप्रेशन होती है उसमें जो ये जो पोर्शन होते हैं नॉच बोलते हैं, नोटिस नॉच, तो इन नॉचेस में नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं एंड रूट्स भी उसमें ग्रो करेंगे एंड देन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू होल प्लांट। सो दिस इज हाउ दे प्लांट्स, सम ऑफ द प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम दे रिप्रोड्यूस यूजिंग लीफ। सी इन लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम बड्स अपियर ऑन द मार्जिन, व्हेन दीज लीव्स फॉल इन द सॉइल दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। देन नेक्स्ट इज रूट्स, रूट्स एज एन एग्जाम्पल, रूट्स का जो एक रूट मॉडिफिकेशन का जो एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। देखो अब पोटैटो जहाँ स्टेम है वहाँ स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, एक एडवेंटिशियस रूट्स का, यानी कि एक रूट मॉडिफिकेशन का या रूट स्टोरिंग फूड उसका एग्जाम्पल है। तो उसमें आप इस तरह के जो रूट्स हैं इनमें क्या होता है कि ये जो हैं इनमें एडवेंटिशियस बड्स डेवलप होती हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं इनके रूट्स के ऊपर डेवलप होती हैं, विच लेटर ऑन कैन डेवलप इनटू अ होल प्लांट एंड इट कैन देन प्रोड्यूस न्यू दिस वन स्वीट पोटैटो रूट्स जो होते हैं उनको ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव propagation.